हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक शुरू किया था फ्लैट पिवोट बेयरिंग। उसी का हम आगे का पार्ट देख रहे हैं। उसमें हमने जो डेरिवेशन था वो हमने यूनिफॉर्म प्रेशर का देखा था। अब हम यूनिफॉर्म वियर वाला देखेंगे। लेकिन हमारा जो फर्स्ट स्लाइड थी वही हमारा जो रेफरेंस है वही रहेगा, सेम डायग्राम सेम रहेगा। एक छोटी सी जो रिंग है कंसिडर की थी हमने कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और डी आर उसका थिकनेस था, और लोड वगैरह जो सब कुछ है हम ये फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। इसी को हम रेफरेंस लेके आगे का डेरिवेशन देखेंगे। कंसीडरिंग यूनिफॉर्म वियर, जो रेट ऑफ वियर है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पी और वेलोसिटी ऑफ रबिंग सरफेस वी पर। अज्यूम करते हैं कि रेट ऑफ वियर है जो प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी के। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा पी वी। जो वेलोसिटी है रबिंग सरफेस की वो इंक्रीज होती है डिस्टेंस के साथ में। जो हमारा डिस्टेंस है सेंटर के साथ में उसके साथ में हमारी वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगी उसके ऊपर। तो वो हमारा जो रेडियस है डिस्टेंस, तो हम पी वी की जगह हम ये पी आर लिख सकते हैं, और हम ये यूनिफॉर्म वियर के लिए लिख सकते हैं पी इंटू आर इक्वल्स टू सी। जो हमारा सी है वो एक कांस्टेंट है। तो हम इस इक्वेशन को रेफरेंस लेके आगे का हमारा जो डेरिवेशन है उसको हम देखेंगे। यहाँ से हम पी जो हमारा प्रेशर है उसको निकाल लेंगे, तो पी इक्वल्स टू सी बाई आर हो जाएगा। और जो हमारा पिछला जो डेरिवेशन था उसमें से कुछ इक्वेशंस को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, वही यूज़ करके हम आगे का जो डेरिवेशन है वो करेंगे। देख सकते हैं हम कि जो हमारा रिंग कंसीडर की थी हमने, उस रिंग का के ऊपर हमने लोड कैलकुलेट किया था। तो जो हमारा लोड था वो था डेल डब्ल्यू। तो हम वहाँ से इक्वेशन वन से डेल डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे, डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू पी इंटू टू पाई आर डी आर। अब यहाँ पे हम, पहले तो हमारा वहाँ था यूनिफॉर्म प्रेशर, अब यहाँ पे हमारा है यूनिफॉर्म वियर। तो प्रेशर है जो वेरी करेगा, प्रेशर है जो यहाँ पे चेंज होगा, और जो प्रेशर की हमने जो वैल्यू निकाली है इक्वेशन से वो है पी इक्वल्स टू सी बाई आर। तो इसको हम सी बाई आर को यहाँ पे रख देंगे, हमारा डी डब्ल्यू निकल के आ जाएगा। आगे हम देखेंगे इसलिए टोटल लोड ट्रांसमिटेड टू द रिंग, सॉरी बियरिंग। तो जो हमने लोड निकाला था डेल डब्ल्यू वो हमारा रिंग के ऊपर था। अब हम टोटल निकालेंगे, जो टोटल सरफेस है उसके ऊपर लोड जो आ रहा है हमारा कैपिटल डब्ल्यू, और इंटीग्रेट करेंगे हम जीरो से कैपिटल आर के बीच में, टू पाई सी डी आर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, जो हमारा जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का कि वन अगर एक्स नहीं है या कोई वेरिएबल नहीं है तो वहाँ पे हम वन कंसीडर कर लेंगे, और डी आर है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पे हमारा एक्स ही आ जाता है। तो यहाँ पे वन की जगह आर आ जाएगा, जो हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक मेथड है उससे हम इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। तो टू पाई सी आर, और उसके ऊपर हम पावर लगा देंगे ज़ीरो से लेके आर, और जो हमारा डब्ल्यू है वो निकल के आ जाएगा टू पाई सी आर। यहाँ से हम डब्ल्यू की वैल्यू देख सकते हैं। अब यहाँ से हम सी निकाल लेंगे, तो डब्ल्यू अपॉन टू पाई आर इक्वल्स टू सी। हमने यहाँ से सी निकाल लिया और इसको हम इक्वेशन ए दे देंगे। आगे देखते हैं हम, वी नो दैट फ्रिक्शन टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग। रिंग के ऊपर हमने जो टॉर्क था वो कैलकुलेट किया था टी आर। टी आर की वैल्यू थी टू पाई म्यू पी आर स्क्वायर डी आर। यहाँ पे हम पी की जगह सी बाई आर लिख देंगे, पी जो हमारा प्रेशर है सी बाई आर रख के निकल के आएगा टू पाई म्यू सी आर डी आर। अब यहाँ पे हम टोटल फ्रिक्शन टॉर्क निकाल लेंगे, जो टी आर था वो हमारे रिंग के ऊपर था। टोटल निकालने के लिए हम फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे,
जीरो से लेके आर के बीच में, तो टी इक्वल्स टू ज़ीरो से आर के बीच में लिमिट लगा के टू पाई म्यू सी आर डी आर। इसको इंटीग्रेट करने के बाद में जो निकल के आएगा टू पाई म्यू सी ब्रैकेट आर स्क्वायर बाय टू ब्रैकेट, लिमिट लगा देंगे ज़ीरो से आर जो हमारी लिमिट है, और लिमिट्स की वैल्यूज़ को हम रख देंगे तो निकल के आएगा हमारे पास में पाई म्यू सी आर स्क्वायर, जो ये हमारा है ये टोटल टॉर्क निकल के आया है हमारा बेयरिंग सरफेस के ऊपर। पहले हमने रिंग के ऊपर कैलकुलेट किया था पिछले डेरिवेशन के अंदर, और इसमें हम उसी इक्वेशन को यूज़ करके और इंटीग्रेट करके पी की वैल्यूज़ को चेंज करके, जो पी है उसकी हमने वैल्यू निकाली सी बाई आर, उसको हम यहाँ पर रख के और हमने टोटल टॉर्क कैलकुलेट कर लिया है। टोटल टॉर्क की जो वैल्यू है वो आ गई है पाई पाई म्यू डब्ल्यू अपॉन टू पाई आर इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि सी की वैल्यू हमने निकाली थी डब्ल्यू अपॉन टू पाई आर। सारा ये सब सॉल्व करके टी की वैल्यू आती है हमारे पास में वन बाई टू म्यू डब्ल्यू आर। सेम जैसे हमने पिछला डेरिवेशन जो देखा था उस डेरिवेशन के अंदर हमने जो पावर लॉस थी वो भी हमने कैलकुलेट कर ली थी, वैसे ही इसमें भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। पावर का हमारा वो फॉर्मूला है पी इक्वल्स टू टॉर्क इनटू ओमेगा, ओमेगा हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो इसमें हमने देखा कि यूनिफॉर्म वियर, जो यूनिफॉर्म वियर है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है और रबिंग सरफेस की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो और जो हमारी वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है जो डिस्टेंस है सेंटर से, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के साथ में वेरी करती है। तो डिस्टेंस को हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, और डिस्टेंस हमारी क्या है रेडियस होती है यहाँ पर, तो रेडियस है उसको हम कंसिडर करके हमने सारा डेरिवेशन देखा है इसमें। तो हमारा ये वाला जो टॉपिक था हमारा फ्लैट पिवोट बेयरिंग, ये हमारा दोनों केस में कंसीडर, दोनों केस को हमने कंसीडर करके और डेरिवेशन देख लिया है यूनिफॉर्म प्रेशर में भी और यूनिफॉर्म वियर में भी।